स्टूडेंट्स, आज फिर हम कुछ चर्चा करेंगे जो फ्लावर से रिलेटेड टर्म्स हैं। पहले कल मैंने ढेर सारे टर्म्स के विषय में बताया और कुछ बच गया था, उसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। पहला देखते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो मीन्स मतलब होता है नीचे, गाइनस मतलब गाइनेशियम के नीचे यानी कार्पेल के नीचे। तो इसका एग्जांपल है चाइना रोल। इसमें क्या है कि थैलमस जो है जिसपे सारे सारे फ्लोरल पार्ट्स रेस्ट करते हैं उसको कहते हैं थैलमस। तो थैलमस इसमें कॉनिकल फॉर्म में मॉडिफाइड कर दिया, सबसे ऊपर इसके ऊपर होगा गाइनेशियम और इसके नीचे सारे फ्लोरल पार्ट्स होंगे जैसे स्टेमेन, पेटल, कोरोला और ये कैलिक्स या उसका यूनिट जो है सेपल। और इस स्थिति में सबसे ऊंचा है कौन, कार्पेल, तो ओवरी सुपीरियर होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे कि इन दिस केस थैलमस इज मॉडिफाइड इनटू अ कॉनिकल स्ट्रक्चर एंड गाइनेशियम ऑक्यूपाइज हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक स्टेमेन, पेटल, सेपल आर लोकेटेड बिलो द कार्पेल। इन दिस कंडीशन ओवरी इज सुपेरियर। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग, ईपी गाइनस। ईपी मीन्स होता है अपर, गाइनस मतलब गाइनेशियम। इसमें सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं गाइनेशियम के ऊपर होते हैं और ये ओवरी जो है इनफीरियर होते हैं। इसका एग्जांपल है सनफ्लावर। इसमें क्या है, इसके जो मार्जिन है थर्मस के ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं और इनक्लोज कर लेते हैं ओवरी को और उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं और अदर फ्लोरल पार्ट जो है ओवरी के आप देख रहे हैं ऊपर है, स्टेमेन, पेटल और सेपल। इस कंडीशन में इनफीरियर हो जाते हैं ओवरी क्योंकि इससे सारे ऊपर हो जाता है फ्लोरल पार्ट्स। तो इन दिस केस द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग ओवरी एंड फ्यूज विथ इट। इन दिस कंडीशन अदर फ्लोरल पार्ट लाइक एस्टेमेन, पेटल, सेपल आर लोकेटेड एवर द ओवरी एंड इन दिस कंडीशन ओवरी इज इनफीरियर। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं पेरिगन। पेरिगन मतलब चारों तरफ अराउंड। इसमें जो है आपका थैलमस जो है वो एक डिस्क लाइक शेप में मॉडिफाइड कर गया है, यहाँ देखिए ये डिस्क लाइक शेप में, और इसके बीच में सेंटर में कार्पेल लोकेटेड होते हैं और इसके रिम जो है चारों तरफ उस पर लोकेटेड होते हैं अदर फ्लोरल पार्ट्स। इन दिस केस थैलमस इज मॉडिफाइड इनटू अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कार्पेल इज लोकेटेड इन द सेंटर एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स लाइक एस्टेमेन, पेटल एंड सेपल आर लोकेटेड एट द रिम ऑफ थैलमस एंड इट्स एग्जांपल इन प्लम। ये कंडीशन हुआ। अब हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स अराउंड द फ्लोरल एक्सिस ऑफ ये फ्लावर इज नोन एज सिमेट्री। ये क्या है, फ्लोरल पार्ट्स का अरेंजमेंट है फ्लोरल एक्सिस पर, किसी फ्लावर के फ्लोरल जो एक्सिस होते हैं उसके चारों तरफ कैसा अरेंजमेंट होता है फ्लोरल पार्ट्स का, कार्पेल का या स्टेमेन का और सेपल वगैरह का। तो क्या हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ ये फ्लावर इज नोन एज सिमेट्री। और सिमेट्री होते हैं तीन प्रकार के, एक है एक्टिनोमॉर्फिक, इसको रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं, और इसमें यह है कि फ्लावर को अगर वर्टिकली काटते हैं किसी भी क्या कहते हैं प्लेन से, अगर सेंटर से वो पास कर रहा हो तो ये दो बराबर भागों में बटता है, किधर से भी काटे, जैसे आप आपको ये एक सर्किल है और इसको इधर से काटे सेंटर से अगर पास हो रहा है एक्सिस दो भाग में बटा, इधर से काटे तो भी, इधर से काटें तो भी, इधर से काटें, इधर से किसी भी डायरेक्शन से काटेंगे अगर वो सेंटर से पास हो रहा है वो एक्सिस तो वो दो बराबर भाग में कटेगा। यहाँ पर ये दिखाया गया। तो
तो क्या सच टाइप ऑफ सिमेट्री इन विच अ फ्लावर इट कैन बी अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स वर्टिकली अलोंग एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक कैन बी इंडिकेटेड बाय सच सिंबल। आप ये सर्किल बनाए और इसमें ये प्लस का चिन्ह बनाए, ये डिनोट कर देगा एक्टिनोमॉर्फिक का। और इसमें एग्जांपल में लिलियेसी फैमिली जिसमें ओनियन वगैरह आते हैं, कुर्सी फेरिक जिसमें मस्टर्ड आते हैं वो है। दूसरा देखते हैं जाइगोमॉर्फिक, इसमें क्या है कि फ्लावर को आप वर्टिकली एक ही प्लेन के अलोंग दो भाग में बांट सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं, इसको वर्टिकली काटेंगे इस तरह से ये बिल्कुल दो भाग में बटेगा, लेकिन इधर से अगर काटेंगे तो दो भाग में नहीं बटेगा। तो क्या हुआ, सच टाइप ऑफ सिमेट्री इन विच अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्व्स और पार्ट्स वर्टिकली बाय ओनली वन प्लेन इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक को आप सिंबल इस तरह से दे सकते हैं, एक लकीर कीजिए और उसके दोनों तरफ जीरो दे दीजिए इस तरह, या वर्टिकल इस तरह से भी लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया जाइगोमॉर्फिक, इसके एग्जांपल है पी, तो वो क्या करते हैं उसको आप एक ही प्लेन वर्टिकली आप बांट सकते हो दो। और तीसरा है एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब ऐसा फ्लावर जिसको किसी भी डायरेक्शन से दो भागों में बराबर दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, इरेगुलर शेप के ही होते हैं। तो क्या हुआ, सच टाइप ऑफ सिमेट्री इन विच अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज नोन एज एसिमेट्रिक। एज फॉर एग्जांपल ओपन सिया, नागफनी कहते हैं इसके फ्लावर इरेगुलर होते हैं, और जैसे इसको मान लिया इधर से भी काटे तो इधर से काटे तो भाग में नहीं कटे। तो ये हुआ इसके बाद और कुछ टर्म की चर्चा करते हैं। अब कुछ हम इस टर्म को देखते हैं पेटाब्लॉइड। पेटाब्लॉइड क्या है कि यूजुअली कैलिक्स सेपल जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन जब वो पेटल की तरह से कलरफुल हो जाते हैं डिफरेंट कलर के तब उसको कहते हैं पेटाब्लॉइड। तो इट इज ये कंडीशन है सेपल और कैलिक्स इज प्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स, यूजुअली इट इज फाउंड इन ग्रीन कलर बट समटाइम्स इट मे अकर इन डिफरेंट कलर्स, व्हेन इट इज इट अपीयर्स इन डिफरेंट कलर्स इट इज नोन एज पेटाब्लॉइड। अब उसको देखते हैं ईपी कैलिक्स, कैलिक्स के नीचे एक कैलिक्स की तरह ही स्ट्रक्चर होते हैं कैलिक्स के पहले पैनारोज में, तो उसको कहते हैं ईपी कैलिक्स, मतलब कर सकते हैं अ सिमिलर स्ट्रक्चर विथ कैलिक्स विच इज लोकेटेड बिफोर द कैलिक्स इज नोन एज ईपी कैलिक्स। इसके बाद है ये लीफी ब्रैट, ब्रैट यूजली छोटे साइज के होते हैं, लेकिन जब ये लीफ की तरह से लार्ज साइज के होते हैं तो इसको कहते हैं लीफी ब्रैट। व्हेन ब्रैट इज प्रेजेंट एज लार्ज साइज सिमिलर टू लीफ इज नोन एज लीफी ब्रैट। एक है इनवॉल्यूकर, आपको ये सनफ्लावर देखेंगे कि ये ब्रैट जो है ये झुंड में क्लस्टर में होते हैं और एक होरल बनाते हैं, उसको कहते हैं इनवॉल्यूकर। इन दिस कंडीशन अ नंबर ऑफ ब्रैट्स अरेंज इन होरल नोन एज इनवॉल्यूकर। इसमें जो ब्रैट है एक घेरे में चक्र में अरेंज होकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं इनवॉल्यूकर। इसके बाद है स्पेज, स्पेज जो है क्या है, आप देखते होंगे कि जो उसका पानी निकलता है मुंह पर कलरफुल बोट से लीफ होते हैं क्लस्टर ऑफ लीफ, उसको कहते हैं स्पेज। इस इज लार्ज साइज एंड कलरफुल यूजुअली रेड इन कलर इट इज बोट से इट इज नोन एज स्पेज। ग्लूम्स, ग्लूम्स जो है आप खासकर के ग्रेमी फैमिली में व्हीट में देखेंगे कि ये ड्राई होते हैं स्मॉल होते हैं
वो उस ब्रांड को क्या करते हैं, ग्लूम्स बोलते हैं। इट इज ड्राई स्मॉल साइज यूजुअली प्रेजेंट इन ग्रेनी फैमिली व्हीट। और इसके बाद है हेटरोमेरस और एक आइसोमेरस। आइसोमेरस में जब किसी फ्लावर में इक्वल नंबर जो है या उसके मल्टीपल में उसका फ्लोरल पार्ट्स हो तो उसको कहते हैं आइसोमेरस। कंडीशन इन विच अ फ्लावर कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और इट्स मल्टीपल इज नोन एज आइसोमेरस। यानी कि अगर पांच है तो पांच का मल्टीपल दस हो पंद्रह हो तो उसको कहेंगे आइसोमेरस। हेटरोमेरस क्या है, ये उसका उल्टा है। जब उसके फ्लोरल पार्ट्स डिफरेंट नंबर में हो तो उसको कहते हैं हेटरोमेरस। व्हेन अ फ्लावर कंटेंस डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स इज नोन एज हेटरोमेरस। इसके बाद देखते हैं आपको ये गाइनेंड्रस और एंथ्रोफोर एंड्रोफोर ये सभी, तो ये क्या कहते हैं, जब एंथ्रोफोर जो है ये है इंटरनोड बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला इज नोन एज एंथ्रोफोर। फिर एंड्रोफोर ये जो है इंटरनोड बिटवीन जो है कोरोला एंड एस्टेमेन इज नोन एज एंड्रोफोर। और दूसरा है कार्पोफोर, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ थर्मस, मतलब एक्सटेंशन ऑफ थर्मस इज नोन एज कार्पोफोर। और ये क्या कहते हैं आपको एडेल्फस है। एडेल्फस जो है ये क्या है कि व्हेन स्टेमेंस आर फ्यूज्ड विद फिलामेंट इज नोन एज एडेल्फस। और ये जब भी फिलामेंट जो है फ्लावर के स्टेमेंट जो है वो फिलामेंट फ्यूज होकर अगर एक बंडल बनाता है तो उसको कहते हैं मोनो एडेल्फस, अगर दो बंडल बनाता है तो उसको कहते हैं डाई एडेल्फस, इसके बाद अगर कई बंडल बनाते हैं तो पोली एडेल्फस। इसके बाद जो है ये क्या कहते हैं साइनेंड्रस है। साइनेंड्रस क्या है, व्हेन स्टेमेंस आर फ्यूज टुगेदर बाय बोथ एंथर एंड फिलामेंट देन इट इज नोन एज साइनेंड्रस। फिलामेंट कभी एंथर के थ्रू फ्यूज करते हैं कभी फिलामेंट के थ्रू, जब ये दोनों के थ्रू एंथर भी फ्यूज हो फिलामेंट भी फ्यूज हो उसको कहते हैं साइनेंड्रस। इसके बाद है सिंजेनिसियस, यानी कि व्हेन स्टेमेंस आर फ्यूज टुगेदर बाय मींस ऑफ एंथर इज नोन एज सिंजेनिसियस। यानी कि जब वो एंथर के थ्रू फ्यूज हो उसको कहते हैं सिंजेनिसियस। इसके बाद गाइनोबेसिक, योर कंडीशन व्हेन स्टाइल अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी इज नोन एज गाइनोबेसिक। अब ये देखते हैं गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस क्या है, अ कंडीशन व्हेन स्टेमेन इज अटैच्ड विथ कार्पेल देन दिस कंडीशन इज नोन एज गाइनेंड्रस। यानी कि इस कंडीशन में स्टेमेन जो है वो कार्पेल से अटैच होगा। अ कंडीशन इन विच स्टेमेन इज अटैच्ड विथ और एडहेयर्ड विथ कार्पेल इज नोन एज गाइनेंड्रस। आज इतना तक रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन के विषय में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।